बेटे की संपत्ति पर माँ का ज्यादा हक है या बीवी का? कैसे होता है बंटवारा? जाने क्या है कानून? संपत्ति का उत्तराधिकारी की घोषणा किए अगर किसी शख्स की मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति उसकी पत्नी के पास जाएगी या माँ के पास? भारत में प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार को लेकर यह स्पष्ट कानून है कि संपत्ति का मालिक स्व अर्जित जिसे चाहे अपनी संपत्ति सौंप सकता है। इसके लिए कुछ कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होती है। अक्सर वरिष्ठ नागरिक अपनी मृत्यु से पहले कानूनी रूप से अपने परिवार के लोगों में संपत्ति का बंटवारा कर देते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अचानक मौत हो जाए तो उसे ऐसा करने का मौका ना मिले तब क्या होगा? विशेषकर मृत व्यक्ति की पत्नी या माँ में से किसके पास उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार आएगा, यह एक बड़ा सवाल है। आजकल के समय में कई कारणों के चलते माँ को अपने ही बेटे की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलते, इसलिए हर माँ को अपने बेटे की संपत्ति में क्या क्या अधिकार होते हैं इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। बता रहे हैं कि बेटे की संपत्ति पर अधिकार को लेकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में व्यवस्था दी गई है। इसमें लड़के के विवाहित और अविवाहित रहते मृत्यु होने पर अलग अलग तरीके से संपत्ति का बंटवारा होता है। क्या कहता है भारत का कानून? कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें मृत बेटे की संपत्ति में उसकी माँ को हक नहीं दिया जाता है, जो कानून के वृद्ध होता है। पर कई माँ को इस बारे में पता भी नहीं होता कि वह अपना जीवन किसी वृद्ध आश्रम में व्यतीत करने लगती है, लेकिन भारतीय कानून की मदद से वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती है जिससे उन्हें अपने मृत बेटे की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। जानिए मृत बेटे की संपत्ति में माँ का अधिकार। आपको बता रहे हैं कि एक माँ को अपने मृत बेटे की संपत्ति में उतना ही हिस्सा मिलता है जितना उसकी पत्नी और बच्चों को मिलता है। इसके साथ ही अगर पति की संपत्ति को बांटा जाता है तो उसकी बीवी को भी अपने बच्चों के समान ही उस संपत्ति का अधिकार मिलता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार बच्चे की संपत्ति पर माता पिता के अधिकार को परिभाषित किया गया है। इसके तहत बच्चे की प्रॉपर्टी की माँ पहली वारिस होती है, जबकि पिता बच्चों की संपत्ति का दूसरा वारिस होता है। यदि किसी मृत व्यक्ति की माँ, पत्नी और बच्चे जीवित रहते हैं तो संपत्ति को माँ, पत्नी और बच्चों के बीच समान रूप से विभाजित कर दिया जाता है। विवाहित और अविवाहित होने की स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अगर पुरुष अविवाहित है तो उसकी संपत्ति में पहली वारिस उसकी माँ और दूसरे वारिस उसके पिता को हस्तांतरित की जाएगी। अगर माँ जीवित नहीं है तो संपत्ति पिता और उसके सह वारिसों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। यदि मृतक एक हिंदू विवाहित पुरुष है और बिना वसीयत के मर जाता है तो उसकी पत्नी को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसे मामले में उसकी पत्नी को श्रेणी एक वारिस माना जाएगा। वह संपत्ति को अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ समान रूप से साझा करेगी।